अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में जो है नए कबूतर जो मैंने लाया था उन सब के पर खोलने हैं और दिखाना है आपको कि कौन सा कबूतर रहता है और कौन सा जाता है अपने घर को। इनको तकरीबन कुछ ही दिन हुए आए हुए, तो पता चलेगा कि कौन सा रहता है और कौन सा जाता है। दूसरी बात जो है और मेरी जो सबसे फेवरेट कबूतर है नए कबूतरों में ये वाली, इसके पर भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखते हैं ये भी उड़ के कहीं चली जाती है या यहीं रहती है, इसको क्या सूट करता है ना। और बाकी जो है परपटी के दिन है, तो ये आप देख सकते हैं कुछ कबूतरों के पर मैंने खींच लिए हैं और जो रह गए हैं उनके अभी इसी वीडियो में पर खींच लेता हूँ और फिर खोलता हूँ इनको। ठीक है जी, इस पिंजरे में ये देख सकते हैं पर पड़े हैं उनके। ये पर मैंने कल ही खींच लिए थे, कल मैं जरा जल्दी में था, वीडियो बनानी थी लेकिन नहीं बन सकी। ये हमारा टाइगर साहब आ चुके हैं बाहर। टाइगर साहब आजकल निकलते ही बड़े गुस्से में होते हैं, देखें लड़ने के मूड में होते हैं। तो हाँ, ये जी इस मेल के पर भी निकाले थे मैंने और इस फीमेल के भी निकाले थे। ये जो ऊपर पैर है इसके भी हो गए थे, इनके भी हो गए थे। और एक वो ब्लैक मैना दाग है, काला काला मैना दाग जो है वो उधर है, उसके पर नहीं निकाले। और इसके भी रहते हैं, इस पैर के रहते हैं अभी फिलहाल, तो मैं वीडियो में बता दूंगा कि पर कैसे निकाले जाते हैं कबूतरों के। बंद करते वक्त जो है ना इनके पर निकाल दूंगा। अभी तो जो है ये फीमेल भी अंदर बैठी है, अभी इनको खोलता हूँ तो बाहर फिर रहे होंगे, उसकी वीडियो भी बन जाएगी। और फिर बंद करते हुए इनके मैं पर निकालूंगा तो वो भी वीडियो बन जाएगी। और दूसरी बात ये भी, जब बाहर होंगे तो वो वाला पार्ट मिस ना करें, वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि नए कबूतर खोलूँगा आज सारे, पता चलेगा कौन सा उड़ गया है कौन सा जो है रह गया, ये चीज़ जो है इसमें बताई जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे कबूतर इस खुले में आ गए और अभी खुलेंगे सारे माशाल्लाह। इकट्ठे फिरते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं और अल्लाह करे इनका ये यूनियन, ये इत्तेहाद इसी तरह बना रहे। ये ना हो कि मैं इनको खोलूँ और नए कबूतर उड़ के कहीं और ही चले जाएँ। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, मतलब कोई आगे पीछे नहीं हुआ, सब जो है ठीक बैठे हैं अभी तक। ये देख सकते हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ये नरमस्ता है इधर, ये वाइट वाला वो जी पोटा बंदों का जोड़ा, सारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी तक तो कोई आगे पीछे नहीं हुआ और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही फिरते रहें, ऐसा ना हो कि कहीं उड़ जाएं या कुछ। अच्छा, एक वो बच्चा अंदर रह गया, उसको भी बाहर निकाल देते हैं। ये मेरा शहजादा जी, ये उस लाल बाजीगर का बच्चा, ये भी कुछ दिनों में लगेगा इंशाल्लाह। वो देखें, मेरे दो कबूतर उड़े भी हुए थे और मुझे पता ही नहीं चला। ये देखें जी, ये देखें यार, इंसान कितनी अजीब चीज़ है। मैं ये सोच रहा था कि कबूतर कहीं नहीं गए, बैठे हुए हैं सारे। क्या हुआ क्या हुआ टाइगर बेटे, क्या हो गया? ये देखें जी, कबूतर उड़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है जी। ये फीमेल मुझे बहुत पसंद है यार, अल्लाह करे ये कहीं ना घूमे, बाकियों की फिर भी खैर है। ये देखें, एक अभी आई है, थक भी गई है और दूसरी उड़ रही है ऊपर ही, हाई फ्लायर जो है किधर गई वो है, अभी आएगी ये है। तो नहीं, ये भी बैठ जाएगी। और बस ये कबूतर तो यहाँ पे फिर रहे हैं अब, और बंद करते हुए फिर इनके मैं पर खींचूँगा, वो भी आप लोग ज़रूर देखें ताकि मेरी वीडियो से किसी को कोई सीख मिल जाए, किसी को अगर ना खींचने आते हों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जब कभी नए कबूतर लाऊंगा तो उनके पर बांधने का तरीका भी सिखाऊंगा कि धागे से कैसे बांधे जाते हैं, बक्सुए से कैसे बांधे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, नए कबूतर जो है सारे ऊपर बैठ गए हैं और डर तो लग रहा है खैर, लेकिन अल्लाह खैर करेगा ये नीचे आ गए, अल्लाह खैर करेगा मना, इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे। बाकियों को भी मैं खोलता हूँ जितने भी हैं सारे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जा रहे कहीं यार, फिलहाल तो ठीक है। देखें ऊपर होके फिर नीचे आ गए,
अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जा रहे कहीं, बाद में अगर कोई आगे पीछे हो गया तो वो अलग बात है। ये देखें सारे ऐसे ही फिर रहे हैं जैसे इनका अपना ही घर हो। चलें अल्लाह खैर करे, अगर कोई आगे पीछे हो गया तो वो फिर मैं बता दूंगा, बाकी तो फिर हाल सब ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये खुद तो नहीं उड़ रहे, इनका तो नहाने का मूड बन रहा है, इनको मैं डंडे से उड़ाता हूँ। ये देखें नहीं है मूड इनका यार उड़ने का, फिर रहे हैं कबूतर। वो ये दो मादियाँ भी जो हैं वाइट और छोटा बानवर जो है, नहीं है मूड इनका बिल्कुल भी नहीं है। बस दाना वाना डालता हूँ और पानी पड़ा हुआ है, अगर नहाना चाहें तो ये अच्छी बात होगी, ठीक है ना। आ जाओ, नहीं है इनका कहीं भी जाने का मूड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है अभी तक तो, कोई कबूतर भागने की नहीं सोच रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो तेज़ कबूतर हैं उनके पार मैंने नहीं खोले अभी तक, इसके भी नहीं खोले, ये वाइट वाले जो है इसके भी नहीं खोले, ये काफ़ी तेज़ कबूतर हैं, इनके अगर खोल दिए तो ये गए बस। ये पुरानी जो ब्लैक मादी है ये आगे पीछे देख रही है, लेकिन जाएगी कहीं नहीं आगे ले चले। बस चलें, वीडियो को एंड तो नहीं करती, जब बंद करने लगूँगा कबूतरों का ना उनके पर खींचने, वो फिर आप लोग ज़रा देख लें, अगर किसी को तरीका नहीं आता तो इस वीडियो से कोई सीख मिल जाएगी इनको, ठीक है ना। बाकी कबूतर फिर रहे हैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नहीं गया फ़िलहाल तो, बाकी आगे देखते हैं अगर कोई उड़ गया या भाग गया वो फिर मैं बता दूँगा आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कोई भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो है ये देख सकते हैं आप लोग, अभी गर्मी के दिन हैं तो ये पौधे काफ़ी चार्मिंग और अच्छे लग रहे हैं। और उस दिन इसने फाख्ता का पेयर आया था, अभी वीडियो में भी आके ऊपर बैठी थी, तो अगर उन्होंने यहाँ पे अंडे बच्चे वगैरह दिए तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि घोंसला कैसे बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर फिर रही है फाख्ता, वो है बताऊंगा मैं कि मतलब उनके बच्चे कैसे होते हैं। पहले पिछले सीज़न में काफ़ी उन्होंने दिए थे, ठीक है। अच्छा ये फीमेल उठाई है मैंने, ये इसका मेल है और दोनों के भी प्रॉपर्टी होगी, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे पर खेलते हैं इनकी। देखें पर कटे हैं इसके, ठीक है, पर इसके कटे हैं तो क्लियर कर दे एक सेकेंड। हाँ तो ये पर अभी मैं खींचता हूँ, खैर दो हाथों से खींचे जाते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं बताने के लिए, ये देखें इस तरह जब फुल पर निकले अंदर से कच्चा ना हो ना, पक्का पर हो निकले तो बस ये फिर 17-18 दिनों में कली निकल जाती है इसकी। इस तरह एक एक करके जो है आराम से देखें, एक एक करके सारे निकालते जाएंगे, पर देखें पहले पक्का हुआ हो इस तरह कर। देखें पर को चेक करने का तरीका जो है वो ये, पर को ऐसे करेंगे, ये हल्के पर हैं वो उठा के इस साइड पे देखेंगे आप, ये देखें इधर नीचे तक जो है ना कोई खून वगैरह नहीं है कली में, तो ये पर पक्का है, ये खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो पर काफ़ी नीचे से खींची हुआ हो, देखिए जैसे ये छोटा पर है, इसको हाथ से जितना खींचेंगे ना ये निकलेगा नहीं, क्योंकि छोटा होते हैं मुझे में सही नहीं आता। इसका तरीका ये है, आप इसको ऐसे ये अब कर लिए ना, इसको आधा ऐसे तोड़ दें, आपके हाथ में फिक्स आ जाएगा, फिर जब फिक्स आ जाए, ऐसे फिक्स आ चुके अब ना, तब इसको खींच लें तब ये निकल जाएगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये छोटा पर है, ये तो खैर काफ़ी बड़ा है लेकिन ये फिर भी देखें नहीं निकल रहा, दूसरा कहीं बड़ा, ये जो देखें बड़ा है, इसको आराम से खींचे तो ये निकल जाएगा, और ये छोटे वाला जो है इसको ऐसे तोड़ के ही निकालना पड़ता है। ये देखें इसको मोड़ेंगे ऐसे, इधर से मोड़ेंगे, ये देखें इधर से ऐसे मुड़ जाए तो निकल जाएगा, ठीक है।